हार्ड हिटिंग डायलॉग्स। हेलो व्यूअर्स, भी आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है कर्नाटक में बीजेपी आगे, डबल डिजिट में सिमट जाएगी कांग्रेस, बजरंग दल इफेक्ट से और खिल सकता है कमल। दोस्तों, कर्नाटक विधानसभा चुनाव से पहले ओपिनियन पोल के जरिए कयास लगने लगे हैं कि इस बार राज्य में कौन सी पार्टी की सरकार आने वाली है। इसी क्रम में जन की बात ने अपने सर्वे के आधार पर कुछ नंबर्स को जारी किया है। इसके मुताबिक इस बार कर्नाटक में भी भाजपा को कांग्रेस और जेडीएस से ज़्यादा सीटें मिलने की उम्मीद है। 1 मई तक के डेटा के आधार पर जन की बात कर्नाटक पोल कहता है कि भाजपा को 100 से 114 तक सीटें मिल सकती हैं, जबकि कांग्रेस को 86 से 98, जेडीएस को 20 से 26 सीटें मिल सकती हैं। पोल के अनुसार भाजपा को जहां मोदी फैक्टर का फ़ायदा होगा, वहीं कांग्रेस और जेडीएस को मुस्लिम वोट ज़्यादा मिल सकते हैं। जन की बात के दूसरे पोल में 70% लिंगायत, 70% मराठा भाजपा का ही साथ देंगे, वहीं 86 मुस्लिम और 83% कोरवा कांग्रेस के साथ रहेंगे। क्षेत्रवार बात करें तो भाजपा कर्नाटक कित्तूर में लीड करेगी और कांग्रेस से उन्हें कल्याण समेत बेंगलुरु के इलाकों में टक्कर मिलेगी। दोस्तों, इसके बाद जी न्यूज़ के मैट्रिज ओपिनियन पोल भी 1 मई को आ चुका है। इसके अनुसार भाजपा इस बार राज्य में अपने खाते में 103 से 115 सीटें पाएगी और अन्य पार्टियों से ऊपर रहेगी। इस पोल के अनुसार कांग्रेस को 79 से 91 सीटें मिल सकती हैं और जेडीएस को 26 से 36 सीट मिलेंगी। वोट शेयर की बात करें तो भाजपा को 42% वोट शेयर होगा और कांग्रेस को 40% वोट शेयर मिलेगा। बता दें कि कर्नाटक की 224 विधानसभा सीट पर इस बार 10 मई को चुनाव होने वाले हैं, नतीजे 13 मई को आएंगे। वर्ष 2018 के चुनावों में जहां भाजपा को 104 सीटें मिली थीं और कांग्रेस को 80 सीट आई थी, वहीं जेडीएस के हिस्से में 37 सीट आई थी। इस बार भी भाजपा कांग्रेस को लेकर इतनी सीटों के अनुमान लगाए जा रहे हैं। हर पोल में जो एक बात सामान्य है वो यह है कि उनके मुताबिक भाजपा के लिए मोदी फैक्टर बहुत काम आने वाला है और कांग्रेस के काम मुस्लिम वोट आएंगे। दोस्तों, गौर करने वाली बात यह है कि ओपिनियन पोल कर्नाटक चुनाव में बजरंग दल के मुद्दा बनने से पहले के हैं। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में बजरंग दल की तुलना पीएफआई से करते हुए प्रतिबंध का वायदा किया था। इसका देश भर में विरोध हो रहा है, इससे कांग्रेस बैकफुट पर है। डैमेज कंट्रोल की कोशिश में पहले पार्टी के वरिष्ठ नेता वीरप्पा मोइली ने बजरंग दल पर प्रतिबंध से इनकार किया। उसके बाद कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिवकुमार ने सत्ता में आने पर राज्य के सभी जिलों में हनुमान मंदिर बनाने का वायदा किया है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।